They're carnivorous? No, they cannot eat. They just only cut you into pieces and leave you. But... Yeah. कि आप भी जिंदगी में एक बार अफ्रीका के सफारी का मज़ा लेना चाहते हैं और आपका भी प्लान है तो आप सही वीडियो पे आ चुके हो, क्योंकि इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ अपना एक्सपीरियंस डूइंग सफारी इन द मोस्ट फेमस मसाई मारा नेशनल रिजर्व, जो कि है केनिया में। और हम लोगों को देखा बहुत कुछ, द बिग फाइव एंड बहुत, और ये सब आपको देखने को मिलेगा सफारी के ब्लॉग 1 और ब्लॉग 2 पे। ये आखिरी ब्लॉग है, यहाँ पे देखने वाले हैं लेक नवाशा और लेक नकोडो। सो लेट्स एक्सप्लोर विद योर एक्सप्लोरर राजा। आज ही अपना चौथा दिन, हम लोग हैं केनिया में। होटल से चेकआउट कर लेता, ब्रेकफास्ट कर लेता, अभी जा रहे हैं मसाई मारा छोड़ के नारोक लेक के पास। कॉफ़ी लिया 300 सीलिंग में। स्वागत है एक्सप्लोर राजा के अफ्रीकन सीरीज में, केनिया की सीरीज में, एक नए ब्लॉग पे। अपनी गाड़ी कौन सी है? ये वाली है ना? हाँ, ये वाली अपनी गाड़ी है। ये ग्रुप ट्रिप चल रहा है अपना चार जन के साथ, और ये ट्रिप हम लोग कर रहे हैं ट्रैवल लाइक के साथ कोलैब करके। तो उनका लिंक नीचे है, आपको ऐसा अगर ट्रिप करना है अफ्रीका में मसाई मारा या फिर ऐसे 4x4 गाड़ी में घूमना है, तो यहाँ पर आने के बाद मुश्किल हो सकता है, पहले से बुक करोगे तो बेटर रहेगा। इसी वजह से रिकमेंड कर रहा हूँ। बाकी आप ब्लॉग देखो आज क्या क्या होता है। कॉफ़ी सही है। तो ये है अपना रूम लेक नवाशा के इधर, विला ग्रासिया लग्जरी होटल। तो ये हम लोग को रूम मिला है यहाँ पे। लेक का व्यू तो नहीं है पर पहाड़ का व्यू है, बढ़िया सा। तो आज का एटीट्यूड में क्या क्या है हम लोग में थोड़ा डाउट है, हम लोग खुद डिस्कस कर रहे हैं क्या करना है जो अपना ग्रुप है, और फिर हम लोग डिसाइड करके करेंगे। बाकी ये अपना बाथरूम। तो आज का खाना आ गया, मैंने लिया फ्राइड राइस लैम्ब, मैंने लिया पॉर्क सिजलिंग विद राइस, आपने क्या लिया? चिकन विद रोटी चपाती। और मैंने क्या, एक का तो बवासीर हो गया क्या? चाउमिन खा रहे हो क्या? भाई पर मैंने इसको बोला था ग्रेवी में किया या भाभी ने करके दी? नहीं, मैंने खुद ने किया। तो अब एंट्री हो गई है लेक नकुरो में, सामने लेक है, और लेक देखने का मेन फैक्टर नहीं है, इधर हम लोग को देखना है राइनो। अच्छा, राइनो देखना है। सुनो भाई, पहली बता रहा हूँ आज कोई गाली नहीं देगा। हाँ, गाली क्या होता है भाई? ये भाई अपना ही दिल्ली से है। दिल्ली बट लेकिन मेरे को लगता है कि फर्स्ट टाइम ही, हर बार सिंगल ही आना चाहिए, सोलो ही ट्रैवल करना चाहिए। आप लोग जानते हो मैं सोलो ट्रैवल करता हूँ, पर ग्रुप हो जाता है, ये सब ग्रुप में आप सफारी सोलो कर ही नहीं सकते। मतलब अपने जितनी गाड़ी देखी, किस पे एक बंदा देखा, कपल देखे एक जगह दो जगह पे, बट ज़्यादातर ग्रुप ही होता है, तो ग्रुप अच्छा मिल जाता है तो मज़ा आ जाता है। अभी हम लोगों को राइनो भी दिख गया, तो बिग फाइव में पांचवा हो गया, भले मसे मारा में ना हो बट बगल में हो गया। आप लोगों को दिखाता हूँ, एक्साइटमेंट रोको।
तो अभी हम लोग गाड़ी से उतर गए और अभी हम लोग फ्लेमिंगोज के पास आ गए। यहाँ पे कई सारे फ्लेमिंगोज है। हाँ कम बैक। अरे यार ये वाला सेकंड वाला जो है ना दूर वाला, ये वाला स्ट्रेट वाला, हां स्ट्रेट वाला जिसका उसको बोल रहा है इस मोमेंट दैट्स अ फीमेल। यस फीमेल दैट इज हस्बैंड शी लुकिंग एट राइस। तो आज अपना हो गया जितना भी सफारी होना था, पर कल बहुत कुछ है एक्चुअली। आज हम लोगों ने राइनो देख लिया, फ्लेमिंगो देख लिया, और अभी खाने वाले पहली बार लोकल केनियन खाना जिसे कहते उगाली। ये तो लग रहा है अपना भापा पीठा। हाँ अपना बनता है ना विंटर्स में, इडली का ही टाइप जैसा लग रहा है। उसका सब्जी भी आता है, मीट भी आता है, हम लोगों ने सब्जी से डाल दिया। ट्राई करते हैं, ट्राई करना तो बनता है। इन रोम डू एज अ रोमांस डू। मैं क्या है ना, डो अच्छा लग रहा है, डो में घर वाली फीलिंग है, पर वो सब्जी में पालन दिया है तो थोड़ा कड़वा है। उसी वजह से इसके अगर सिरप, इसका अगर सिरप दे देता या फिर कुछ मीठा हो जाता ना या फिर स्पाइसी होता मज़ा। अपना ड्राइवर हम लोग को छोड़ के जा रहा है, हम लोग को छोड़ दिया इस जंगल में। हम लोग हैं नवेशा में, जहाँ पे कल रात अपना होटल था, और ये है नवाशा लेक, और ये नवाशा सेंचुरी। नवाशा सेंचुरी में क्या होगा, अभी हम लोग बोट राइड लेंगे जिसका है $35, एक घंटे का बोट राइड होगा। उसमें हम लोग हिप्पो विप्पो देखेंगे, पंची वंची देखेंगे, जो देखना है देखेंगे, और फिर करेंगे जंगल वॉक। जंगल वॉक होगा इधर से जंगल में एनिमल्स के साथ, उसका भी अलग है, पर जो भी है हम लोग देखते हैं। स्वागत है फिर से अफ्रीका के। आज अपना दिन 5 चल रहा है और भाई लोग थोड़ा नेगोशिएशन कर रहे हैं, शायद नेगोशिएशन का काम नहीं बनने वाला। भाई इधर नेगोशिएशन चलता है आपने? मैं तो जो बोला आप लोगों ने किया ही नहीं, मैं तो बोल रहा था कि सब चुप हो गए। तो मैंने कहा भाई भाई चुदा। तो यार ये फ्लोटिंग ब्रिज जैसा है जिससे हम लोग अभी चढ़ के जा रहे हैं बोट के अंदर। ये अपनी टाइटेनिक है, पर ये वाली डूबेगी नहीं होपफुली। तो अभी हम लोगों को 5 मिनट भी नहीं हुआ है, 2.5 मिनट हुआ है एग्जैक्टली, हम लोग को दिख गए हिप्पोपोटामस पानी में। वो पत्थर नहीं है, हिप्पोपोटामस ही है, चिल कर रहे हैं यार। दिख नहीं रहे यार, सामने आओ भाई, भाई सामने जाए या दूर से रहे साथ में। अरे 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 हमला करने आ रहे। और ये देखो हिप्पोस बहुत पास आ रहे हमारे और हमारी तरफ ही आ रहे। जैसी आवाज है भाई। Now we just spotted hippos in the water and they're so huge and we're going close to them. Wow. भाई बहुत डर लग रहा है, ये चारों ओर घुमा रहा है, कहाँ नीचे से आके ना उड़ा दे। नहीं अभी 5 दिख रहे, देखो 1, 2, 3, 4, 5। नहीं अभी फिर से 5 आ गए, हम लोग सेफ है। ऑल इज वेल। अभी डूब गए। ऑल इज वेल। तो ये फिश ईगल मतलब क्या, मछली खाती है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। सोल्जर मूवी के एंड के जैसे आपका हालत नहीं होगा इधर। इस जोन में इंक्लूड है क्या? तो अभी अपने ना ड्राइवर साहब, कैप्टन साहब ने मछली निकाली ईगल को बुलाने के लिए। इज ही कमिंग हियर टू ईट द फिश? सो दिस फिश इज जस्ट फॉर फन। कैन वी होल्ड इट? या श्योर। अभी 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 मत कर बे, अभी मत कर।
शिकार ये आ रहा है, पास आ रहा है तो बड़े बड़े स्वान लग रहे हैं पर एक्चुअली ये पेलिकन। अभी अपने साहब पास आ गए कि अपने उसने दिया मछली, अभी बोला मेरा मेरा मछली खिला रहा है, मेरी उंगली ना खा ले यार। ओके रेडी, इसको देखा तो ये है क्रिजन आइलैंड, और क्रिजन आइलैंड में भी एनिमल्स है, जैसे कि वो है देखो जिराफ दिख गया हम लोगों को। अभी हम लोग देख रहे हैं पानी के ऊपर से नहीं, एक छोटे से ब्रिज के ऊपर से इतने सारे जेब्रा लाइन करके क्रॉस कर रहे हैं, लग रहा है कि स्कूल के बच्चे जा रहे हैं। जेब्रा क्रॉसिंग नहीं, ज़ेब्रास आर क्रॉसिंग। तो ये दो भाई अभी करने वाले घोड़े पे राइडिंग, इनके ने लोगों ने दिया भाई कितना लगा पैसा? $32.5। और क्या स्पेसिफिक है आपका मैथ भाई? मतलब एग्जैक्टली $2,465। चलो $20,000 शिलिंग्स। भाई की फटती है, मेरी भी फटती है घोड़े से, तो हम लोग नहीं करने वाले। करो यार देखेंगे, मजा आने वाले। यहाँ पे एक ऑप्शन था वॉक करने का, वाइल्ड वॉक। तो वाइल्ड वॉक हम लोग टूर गाइड से भी कर सकते हैं, टूर बाइक से ही करना चाहिए, वो भी $30 के, पर हम लोग ऐसे ही करने वाले वॉक। जैसे अभी सामने देखो अपने उधर वो है, ज़ेब्रा अपने पास, जैसे अपने उधर होती है ना गाय या फिर भैंस, पास में ही है। और इधर बहुत शांत है, इधर शांत की मतलब चिल की हो पता है। ये जो सैंक्चुअरी है ना, इधर कोई जंगली जानवर नहीं है। पानी में हिप्पो, हिप्पो से बच कर रहना पड़ेगा, पर यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे जितने भी जानवर हैं थोड़े अच्छे वाले, हाँ विल्डर बीस्ट है, विल्डर बीस्ट से बच कर रहना पड़ेगा। विल्डर बीस्ट अगर मार देना तो आपके पास ये वीडियो नहीं आने वाला। हम लोग चलते चलते आगे, और देखो भाई मैंने तो लाल भी पहना हूँ, और सामने अपना विल्डर बीस्ट। विल्डर बीस्ट अगर भागना शुरू कर देना तो भाई भागने की जगह नहीं मिलेगी, पेड़ में चढ़ना पड़ेगा। देख के चलो भाई, विल्डर बीस्ट बहुत जंगली लगते हैं दिखने में। वैसे तो पीछे कुछ लोग हॉर्स राइडिंग वॉक कर रहे हैं, आप देख सकते हो, सही है। तो भाई आप लोग ना ज़ेब्रा के बहुत पास आ गए, और डर नहीं लग रहा। ज़ेब्रा वैसे गधे का ही रूप होता है, वही होता है ना, कलरफुल गधा, तो ज़्यादा मारते नहीं है, सही है। ट्राई या अच्छा या क्लाइम ऑन और हॉप या जस्ट रिलैक्स फाइन या अरे यहाँ पे हाइनस है, बट हाइनस आर नॉट डेंजरस टू ह्यूमन, नो हाइना किल्ड ह्यूमन। For here, when they see you, they just run away. But hippos, what happened? Hippo, you know, sometimes when you go closer, this is very dangerous. They cut you into two pieces. Cut into two pieces? Yeah. Oh my God! And then, and eat. They carnivorous. No, they cannot eat. They just only cut you into pieces and leave you. हाँ? But ये क्या मतलब होगी? Yeah. मतलब मार भी लिया, खाया भी नहीं. Yeah. But when you are on the boat, yeah, they hit the boat and no, they cannot hit the boat because they just
getting scared of the engine. Okay, they, so they run away. So they kill the people who are swimming in the... No, not swimming when they are fishing. You know, there's a people... Oh, they're standing and fishing. Yeah, fishing. Ah, I saw some kids standing and... Yeah, with a net. Ah. You see people, just... Yeah. So they're aggressive, they come and attack. Yeah, you know, sometimes when they are going fishing and they are not seeing the hippo properly, sometimes they... And, and when do we see hippo fighting with their both mouth together? Oh, a lot you can see, but now? For now you cannot see. Why? Because the hippos are close to the water, no, we can you see? You know, sometimes they are family. When the family get together, this family and this family, you can see fighting. And only the male. Only the males fight? Fighting, yeah. And when do they mate? Mate, they just meet in the water. Okay. Yeah, in the water. Chalo. Yeah. कैसा लगा हॉर्स राइडिंग? भाई हॉर्स राइडिंग करके आए, पानी के बीच में से लेके गए, हिप्पो दिखा के लाया, विंड बीस बराबर में था, गजेल्स, बिग वाटर बग्स सब कुछ थे, और बहुत ज्यादा अल्टीमेट मजा आया। और मतलब मस्ट रिकमेंडेड, अगर आप लेक नवाशा आते हैं ना तो हॉर्स राइडिंग बनता है बॉस। पैर के पैंट भीग गए, ये पूरे शूज गीले हो चुके हैं। और बट ये था कि हॉर्स बहुत ही इनके एक्सपीरियंस थे जो तो भाई आ गए फिर से अपने वही होटल के, नेहरू होटल बुलेवार्ड। सेकेंड डे और थर्ड डे में जो जो किया हम लोगों ने, थर्ड डे और फोर्थ डे में जो हम लोग किया वो था दोनों लेक टूर किया और मज़ा आया। अभी आ गए वापस, अभी शाम का टाइम है, बहुत ट्रैफिक है। ये वीडियो यही ख़त्म करते शायद, या फिर अपने जो दोस्त लोग बने हैं नए नए, मैं नाम में कच्चा हूँ, पर हाँ एक भाई दिल्ली से, एक भाई जयपुर से, एक भाई कोलकाता से। शायद हम लोग रात को थोड़ा नाइटलाइफ देखने जाएँ, क्योंकि हम लोग जिस एरिया में रह रहे हैं बगल में वेस्टफील्ड, वहाँ पर नाइटलाइफ अच्छा होता है, देखा जाए क्या होता है। फिलहाल के तो सब रेस्ट कर रहे हैं, मन तो कर रहा है पूल में एक डुबकी लगा लूँ, पर नहीं कल करेंगे। चलो